बारा जिले को आज बड़ी सौगात मिली है। अजमेर से चलकर पटना होते हुए भागलपुर जाने वाली ट्रेन का ठहराव शुरू हुआ है। सांसद दुष्यंत सिंह से के प्रयासों से इस ट्रेन को रेलवे बोर्ड ने हाल ही में ठहराव की स्वीकृति दी थी, जिसका पहला घेराव आज हुआ है। रेलवे मार्ग द्वारा पूर्वोत्तर से अछूते रहे बारा जिले को अजमेर भागलपुर ट्रेन के ठहराव की सौगात मिली है। इस ट्रेन के माध्यम से बारा जिला अजमेर, जयपुर, सतना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पटना और भागलपुर स्टेशनों से जुड़ गया है। सांसद दुष्यंत सिंह के प्रयासों से रेलवे बोर्ड ने हाल ही इस ट्रेन को ठहराव की अनुमति दी थी, जिसके बाद आज बारा रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का पहली बार ठहराव हुआ। यहां सांसद दुष्यंत सिंह ने ट्रेन के चालक परिचालक का स्वागत कर ट्रेन को हरी झंडी दिखा आगे के लिए रवाना किया। इसके बाद बारा के विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने सांसद दुष्यंत सिंह का साफा व माला पहनाकर ट्रेन से ठहराव के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। मुझे ये कहना है कि एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने ये बारा के एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट की माननीय मंत्री आदरणीय अश्विन जी वैष्णव साहब ने और रेलवे बोर्ड ने हमें बारा जिले में जो मांग थी अजमेर से जयपुर से कनेक्ट के साथ अपने को ये ट्रेन कोटा से आते हुए अजमेर टू भागलपुर है। ट्रेन की डिमांड डबलिंग होने के बाद हमारे इस क्षेत्र में जो डिमांड है वो ज़्यादा है।